हेलो गाइस, तो आज लेके आ गया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो कि आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक कर सकते हो, उसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स लेके आ गया हूँ। तो आप लोग अभी तक चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में टाइप करना है पोस्ट इन्फो। जैसे ही टाइप कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन खुल करके आ जाएगा, पोस्ट इन्फो ऊपर वाला जो है मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ, तो आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए। इस प्रकार से ये वाला जो है ऐप आप लोग के साथ खुल करके आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या डिटेल्स है वो दिखा देता हूँ। पहले ये देख लो, ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखा है, ये जो है सब पूरा डिटेल्स इस ऐप का विवरण दे रखा है। पोस्ट ऑफिस द्वारा ये ऐप है, इसमें आप विजिट कर सकते हो, ये पोस्ट ऑफिस द्वारा है। ये जो है ट्रैक किया हुआ है, मैं अपने ही आप लोग को बता देता हूँ कि क्या क्या करना है। ये सारी डिटेल्स है यहाँ पर, तो आप लोग जल्दी जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर। फर्स्ट टाइम ऐप जैसे ही ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर ऊपर में है सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस पर इसको पूरा फिलअप करना है, नेम डालना है, उसके बाद एड्रेस डालना है आपको। फर्स्ट टाइम मैं अपना नाम डाल देता हूँ, उसके बाद जो है आप अपना एड्रेस डाल दो। यहाँ पर नीचे में एड्रेस दे रखा है, तो आप एड्रेस में पूरा फुल जितना भी आधार कार्ड पे है वो एड्रेस आपको डालना है। यहाँ पर पूरा फुल डिटेल्स डालने के बाद उसके बाद पिन कोड डालना है नीचे में। यहाँ पर नीचे में आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद उसके बाद ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो ईमेल एड्रेस आपको डाल देना है, आपको अपना वाला ईमेल एड्रेस कोई सा भी डाल देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे ही डालिएगा तो उसके बाद सेलेक्ट सर्विस आ रहा है, सेलेक्ट सर्विस पे आपको उसके बाद जो है इसमें IPPB आधार सर्विस इस पर क्लिक कर देना है। IPPB आधार सर्विस, उसके बाद नीचे में भी सेलेक्ट कर देना है UIDA मोबाइल नंबर। उसके बाद जो है आपको सेंड कर देना है OTP। जैसे ही OTP सेंड कीजिएगा तो ऊपर में आपका OTP आ गया, तो आपको एंटर कर देना, OTP डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद जो है आपका जो रिक्वेस्ट सेंड कर देना है। जैसे ही सेंड कर दीजिएगा रिक्वेस्ट, OTP जैसे ही डालिएगा तो उसके बाद आपको जो है इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। नीचे में देख लो ये वाला एंटर, ये गलत हो गया एक नंबर। उसके बाद OTP आपको सही डालना है, 8830533। उसके बाद जो है OTP इस पर क्लिक कर देना है, कंफर्म सर्विस पे क्लिक कर देना है। तो नीचे में देख लो रिक्वेस्ट, ये सक्सेसफुली रिक्वेस्ट रेफर नंबर, इसको जो है आपको कॉपी कर लेना है या स्क्रीन शॉट कर लेना है, रख लेना है। उसके बाद इसी का जो है आपको आगे चलकर ज़रूरत पड़ेगा। तो ये जैसे ही हो जाएगा तो आपको यहाँ पर जो है कॉपी कर लेना है। उसके बाद जो है आगे आपको बताता हूँ आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो है बैक आ जाना है, इस प्रकार से आपको यहाँ से जो है आपको बैक आ जाना है। पहले मैं कॉपी कर लेता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं आगे का प्रोसेस क्या क्या करना है, किस प्रकार से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो पूरी ऑफ कोर्स फ्री में। तो आपको क्या करना है, यहां से बैक आ जाना है, यहां पर क्लिक टू ट्रैक सर्विस इस पर क्लिक कर देना है। यहां पर जो है जो भी आपका जो है नंबर था या रिफर नंबर था वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नंबर से भी ट्रैक कर सकते हो, जो नंबर रिफर था उसको भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करके यहाँ पर जो है पूरा डिटेल्स आ जाएगा खुल करके आपका, जो है जहाँ पर पोस्ट ऑफिस है मेरा जो है यहाँ पर गणपतगंज खुल करके आ गया। तो जो भी पोस्ट ऑफिस है आपका खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर मेरा अभी फ़िलहाल मैं पेंडिंग बता रहा है, तो अभी तो मैं फ़िलहाल किया हूँ, तो ये 24 घंटा लगता है इसमें आपका जो है नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है ये सब पूरा डिटेल्स खुल करके आ जाएगा, उसके बाद जो है आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा कोई ऑफिसर आपके घर पे या नहीं तो आपको कॉल करके आप पोस्ट ऑफिस में बुला लेगा और आपका जो है फिंगर लेकर के आपका नंबर चेंज कर देगा।
देख लो, मैं फिर से आप लोग एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है अपना एफ नंबर डाल करके देख लो, ये जो है आपका जो है पोस्ट ऑफिस का जो जहाँ पर ना आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो डिटेल्स यहाँ पर नीचे में आ गया, गणपतगंज सुपौल। इस प्रकार से आपका खुल करके आ जाएगा। तो आपका जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा कॉल आएगा, नहीं तो मैसेज आएगा कि आपको बुलाया जाएगा, नहीं तो आ जाएगा आपके घर पे। तो 50 रुपया में जो है आपका ये काम हो जाएगा, सर्विस चार्ज 50 रुपया लेगा। तो आपका जो है मोबाइल नंबर 24 घंटे के अंदर अंदर चेंज हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कॉमेंट कीजिए। अभी तक चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बने रहो।